आज से गोवा में हमने अंडर द एपिडेमिक एक्ट 100% लॉकडाउन कर दिया। आज रात 12 बजे से गोवा में 100% लॉकडाउन हो गए। एपिडेमिक एक्ट की तरफ से हम कौन एक भी शॉप चालू नहीं रहेगा। गवर्नमेंट विल प्ले खुद की सिस्टम की वजह से जो जो सप्लाई करना है गवर्नमेंट सप्लाई करने की सोच रहे हैं। 2 दिन के अंदर सप्लाई चेन जो है वो सिस्टम हम मैनेज कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम सब लोगों को जो नेसेसिटी जो है वो सप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट वी आर जो कोविड हॉस्पिटल के बारे में जो इमरजेंसी के बारे में जो जो केयर लेना है वो सभी हम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम हम सभी तैयारी कर चुके हैं। उसके बारे में सभी हमारी कोशिश है कि हम सभी तैयारी करेंगे। जो कोई अभी 100% लॉकडाउन होने की वजह से गोवा में जो है वो बाकी लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना है वो कलेक्टर के अंतर्गत हम उन लोगों को शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी लोगों को मिल्क या नेसेसिटी जो है ग्रॉसरी वो सप्लाई करने की बात है। हमने बोला है मिल्क सप्लाई जो मिल्क सप्लायर वो खुद जाके सप्लाई करेगा। ऑलमोस्ट गोवा डेयरी वो सभी केयर लेके जो मिल्क सप्लाई करेगी। ग्रॉसरी सप्लाई के बारे में कलेक्टर विल टेक द डिसीजन एंड अकॉर्डिंग टू दैट द गवर्नमेंट डिसीजन के हिसाब से हम ग्रॉसरी सप्लाई करेंगे।